हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आकाश जमनी से एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पीछे जो नजर आ रही बिल्डिंग सारी, ये यहाँ पे जैसे मीडिया हाउस नहीं होते, मतलब जैसे यार न्यूज कैसे कह रहे हैं, न्यूज ऑफिस, लेकिन ये इनका अपना है इदारा जो गवर्नमेंट का होता है ना उसका, ये बहुत बड़ा है मीडिया बुद्धा हाउस। ये यहाँ पे मतलब सारे अखबार छपने हैं, उसके बाद फिर सारे वो रसाले मैगजीन सब कुछ। हमारे साहब वो देखा हुआ किला जो यहाँ पे ओर्टेनबर्ग का श्लोस, हाँ वो किला जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर चलेंगे, आपने भी कुछ घर का सामान वगैरह लेना, ग्रोसरी करनी है, ग्रोसरी करनी है, फिर चलेंगे तुर्किश मार्केट भी। मैंने आपको आज इफ्तारी मेरी तरफ आपकी, सही है, सही है। आज आपको खिलाते हैं गुलाश, रिंडा गुलाश। रिंडा गुलाश ये क्या है जी? रिंडा गुलाश मतलब मैं सब कह लें कि जैसे आलू गोश्त है लेकिन इनका है। अच्छा। वो ये किसी और तरह के सब बनाते हैं, लेकिन कमाल की मजे की डिश है वो। फिर चलेंगे थोड़ी ग्रोसरी करने और फिर इंशाल्लाह अपनी इफ्तारी। चलो इंशाल्लाह, सही है। इसका एक पार्ट है ये, अभी वो देख रहे हो जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं सारी, वो अभी बना रहे हैं इसे दोबारा से ना, वो जिस रेनोवेशन चल रही है इसकी, रिपेयरिंग चल रही है। हाँ रिपेयरिंग चल रही है। वो मेरा ख्याल अभी जो ट्रिप की वजह से उन्होंने बंद किया हुआ है। Thank you.
चले फिर आप ग्रोसरी कर ले थोड़ी सी। हाँ चलें जी। चलो जी ग्रोसरी थोड़ी सी। कैसे सीन थे मार्क्स वैसे? बहुत जबरदस्त, मजा आया ना? बहुत ही मजा आया। मौसम अभी बारिश स्टार्ट हो जानी है, नहीं तो बंदा थोड़ी देर और धूप लगी हो ना। नहीं नहीं बहुत काफी हो गया ये। हाँ आज के लिए इतना ही। Hi, thank you. We have broken goulash flesh. Is shribe diya maine kanal naam hai. So mahm mein bhi to dan rinda goulash flesh 1 kilo. जैसे कि हमने पहली वीडियो में बताया था आपको कि इस मशीनों को कैसे यूज़ करते हैं। इसमें ये बोतल डालते हैं और ये खाली बोतलें डालते हैं और ये पैसे वापस करती है हमें, ठीक है। जैसे कि ये मैं डाल रहा हूँ और ये पैसे ऑटोमेटिक जो है ना वो स्क्रीन पे आ रहे हैं। जैसे कि ये बोतलें जो मैंने सारी डाली हैं और ये पर्ची जो है ना निकल आई है, ठीक है। कितने पैसे? ये 4.79 €। 4.50 €? 50? हाँ 4.50 €। जी जी ये था जो आज का हमने सामान घर के लिए जो लेना था वो ले लिया। जी ईरान साहब आप क्या करने लगे हैं आप? मैं बनाने लगा मार्क साहब चावल, क्योंकि टाइम काफ़ी लेट हो गया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है अब अफ्तारी में, तो इसलिए अब पतीली में तो नहीं, ये जो होता है जैसे कहते हैं राइस कुकर, यानी ये सिर्फ चावल बनाता है। तो अभी मैं जल्दी से इसमें चावल बना लूंगा, अब इसे ऑन कर देंगे और चावल हमारे पक के तैयार हो जाएंगे तकरीबन 10 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट। जी तो क्या बन रहा है जी? ये मैंने कहा मेरे साथ पकौड़े बनाने इफ्तारी के लिए, क्योंकि खाने में तो टाइम लग जाना, अभी चावल तो मैंने रख दिए उसमें राइस कुकर में और चने बना लेते, फिर साथ में वो गुलाश वाला प्रोग्राम तो अभी फिर कैंसल है। कैंसल हो गया वो। अब वो फिर पे डाल लें क्योंकि आज काफी हमने लेट हो जाना, 10 मिनट रह गए थे। फिर ऐसे ही होना है जो जल्दी में बन जाए वो फिर पे डाल लें। जी खाना तो हमारा अभी बन रहा है, अभी तो सिर्फ पकोड़े बने हमारे, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए टॉपिक पे। तब तक अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।